हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में बेसिकली हिंदुस्तान विजिट करती है। इस वीडियो में पर्टिकुलरली क्रिप्स मिशन के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, देन कॉजेस की तरफ हम लोग चलेंगे, देन कॉजेस के बाद प्रपोजल्स ऑफ दिस मिशन इसके बारे में बात करेंगे, एंड देन इसकी जो रिजल्ट्स हुए। राइट, सो हियर वी स्टार्ट दिस वीडियो। सो एट फर्स्ट इसका जो बैकग्राउंड था, मुल्क में ऑलरेडी मैं बता दूं आपको, पूरे हिंदुस्तान में एक ऑलरेडी वॉल्केनिक सिचुएशन चल रही थी, और इस ऑनगोइंग सिचुएशन में यू नो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यू नो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पूरे दुनिया पर अपना इन्फ्लुएंस कायम कर रही थी। यहाँ पर इंडियन सिनारियो में, इंडियन पॉलिटिक्स में जो मामले होते हैं वो मैं बता दूं आपको, इसके बैकग्राउंड में अगस्त ऑफर के बारे में बात करना जरूरी होगा। 8 अगस्त 1940, लॉर्ड लिंदलिथगो जो के गवर्नर जनरल होते उस वक्त, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सो उन्होंने कुछ यू नो बातें कही थी, कुछ डिक्लेयर किया था, इंडिया वुड बी ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये बात कहा था। और जो नंबर ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होंगे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसको बढ़ा दी जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फॉर्म्ड आफ्टर द वॉर टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। The British government would not accept any form of government which would not be acceptable to a dominant section of the Indian community. तो ये जो ऑफर था इसको हम लोग कहते हैं अगस्त ऑफर के नाम से हम लोग जानते हैं। इस अगस्त ऑफर में हिंदुस्तानियों को क्लियर किया गया था इस तरीके से, और इसका एक और बैकग्राउंड है देख लेंगे थोड़ा सा कि वो लाहौर रेजोल्यूशन हुआ था हमारा, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने सेपरेट एक सेपरेट स्टेट के बारे में, पाकिस्तान के फॉर्मेशन के बारे में उन्होंने पहली बार अपनी सोच को सामने रखा था। तो ये सब ब्रिटिश भी जान रही थी। कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल का, इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो। क्रिप्स मिशन मैं बता दूं, यहाँ अब इसके कॉजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया था, तब जापान ने ज्वाइन किया था द एक्सिस्ट पावर ऑन दिसंबर 7, 1941। ऑन द अदर हैंड जब जापान ने हमला किया पर्ल हार्बर पर अमेरिका को, अमेरिका के ऊपर, अमेरिका इसलिए वो जंग में तो शामिल नहीं था लेकिन लेटर ऑन वो जर्मन खुद को इनकॉर्पोरेट कर लेता है विद अलाइड पावर। उसके रीजंस होते हैं क्योंकि उसको यू नो उसके ऊपर हमला किया जाता है। तो जापान विद इन अ शॉर्ट टाइम फिलीपींस, इंडो चाइना एंड मले जैसे जगह को वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लेता है एंड बर्मा की तरफ बढ़ता है। पॉसिबिलिटी ये होती है ये देख करके वो इंडिया की तरफ भी बढ़ेगा हमला करने के लिए, तो इंडिया डिफेंसिव बनता है। और यू नो ये जो एक अलार्मिंग सिचुएशन था वो उस पर अपने नज़र को गड़ाए रखता है, राइट, क्योंकि इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिश ही, तो यहाँ पर फायदा करके कहीं ना कहीं जापान को फायदा ही होने वाला था, ये एक सेंस रहा। ब्रिटिश बैडली उस वक्त, ब्रिटिश जो है कहीं ना कहीं इंडियन कोऑपरेशन के बारे में यू नो बहुत ज़्यादा सोच रही थी। उसका रीज़न ये था कि ब्रिटिश ऑलरेडी, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, राइट, उसकी जड़ें कमज़ोर होती जा रही थी। यहाँ पर इंडियन कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी था, इंडियन सोल्जर्स की कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी थे क्योंकि इंडियंस अपने मुकाम खुद को बना चुकी थी टिल 1942। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बिसाइड्स चाइना के, चाइना से चियांग काईशेक हिंदुस्तान आते हैं, विजिट करते हैं ताकि वो इंडियन कोऑपरेशन जो है ले पाए, और वो बहुत डीप सिंपति रखते हैं। वो पर्टिकुलरली यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट रोजवेल्ट, उससे बात करते हैं हिंदुस्तान की इस कंडीशन के बारे में। सो अल्टीमेटली इन टर्न प्रेसिडेंट रोजवेल्ट वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में, और इंडियन प्रॉब्लम ताकि इस प्रॉब्लम को यू नो फर्दर पेव ना कर दे, कोई एक नया मामला ना छिड़ जाए, तो इस मामले को जो है सॉल्व करने के बारे में उन्होंने बात की। कुछ दूसरे जो ब्रिटिश स्टेट्समैन थे उन्होंने भी प्रेशर डाला गवर्नमेंट के ऊपर कि वो इंडिया को ऑटोनोमी दे दे, सॉवरेंटी दे दे। आफ्टर द फॉल ऑफ रंगून ऑन मार्च 8, 1942 वॉर सिचुएशन और भी अलार्मिंग हो गई थी। ऑन 11th मार्च पर्टिकुलरली 1942 चर्चिल ने अनाउंस किया कि एक यू नो एक मिशन जाएगी, पर्टिकुलरली क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है, जिनको हेड करेंगे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। यस, तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स पर्टिकुलरली अलोंग विथ सम अदर लीडर्स लाइक सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एंड एवी एलेंडर, तो ये कुछ जो लीडर्स थे, राइट,
इनको यहाँ पर भेजा गया एक मिशन के साथ विथ ड्यू अथॉरिटी फ्रॉम होम गवर्नमेंट। क्रिप्स मिशन इस तरीके से पहुंचती है ऑन 23 मार्च 1942। वेल, आप बात करेंगे प्रपोजल्स ऑफ द क्रिप्स मिशन, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ निगोशिएशंस के बारे में बात की जाती है विद द लीडर्स ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ प्रपोजल्स रखते हैं क्रिप्स विच ही ब्रॉट विथ हिम। सो क्रिप्स यहाँ पर जो उनके जो प्रपोजल्स थे, पहला, क्रिप्स ऑफर्ड इंडियंस फुल डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विद द राइट्स ऑफ प्रोविंसेस टू सीसीड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ, राइट। दूसरा, आफ्टर द वॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फॉर्म्ड विद द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। तीसरा पॉइंट, इफ एनी प्रोविंस और नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दैट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट विल हैव द लिबर्टी टू फ्रेम इट्स ओन सिस्टम, राइट। इसके बाद जो मामला आ रहा है उभर कर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंटिल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कम्पोज द ब्रिटिश वुड रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द आर्मी एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद कोऑपरेशन फ्रॉम इंडियंस वुड यूज इंडियन रिसोर्सेज इन वॉरफेयर। तो ये पहली बार इन रिटन ब्रिटिश गवर्नमेंट बात करती है एक प्रपोजल के साथ के हिंदुस्तानियों को डोमिनियन स्टेटस दे दी जाएगी, उनकी खुद की आजादाना हैसियत से वो रह सकते हैं। यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया जाएगा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, और अगर कोई नेटिव स्टेट ये चाहता है कि वो यू नो रिफ्यूज करता है ऑफ इंडिया रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दैट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो लिबर्टी अलग से ले सकता है विथ इट ओन सिस्टम, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस तरीके से जब तक कंपोज नहीं होगा तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने ही हाथ में पावर को रखेगी। तो ये सब कुछ बातें उन्होंने कही थी, राइट। सब बात आती है रिजल्ट्स के बारे में। तो रिजल्ट्स ऑफ द क्रिप्स मिशन वेर नॉट एक्सेप्ट सॉरी द क्रिप्स प्रपोजल्स वेर नॉट एक्सेप्टेबल टू द इंडियन लीडर्स। कैसे? कांग्रेस ने रिजेक्ट किया द ऑफर बिकॉज इट डिड नॉट होल्ड एनी प्रॉमिस ऑफ फुल फ्रीडम ऑफ इंडिया। पहला, फुल फ्रीडम के बारे में नहीं कहा गया। दूसरा, जिन्नास डिमांड फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज इनडायरेक्टली एक्सेप्टेड। जी हाँ दोस्तों, हिंदू मुस्लिम पॉलिसी जो ब्रिटिश शुरू से ही माहिर रही है इस चीज में, वो अल्टीमेटली सक्सीड हो जाते हैं इस मामले को लेकर। दो अलग अलग हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटने के बारे में जो मोहम्मद अली जिन्ना ने एक यू नो मामला छेड़ा था सेपरेटिस्ट स्टेट को लेकर, वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा था इनडायरेक्टली, इसलिए अनएक्सेप्टेबल था, राइट। और प्रोविंसेस अनविलिंग टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू सीसीड फ्रॉम द यूनियन, ये एक रीजन बन गया। पर तीसरा जो है यहाँ पर, द कांग्रेस हैड ऑब्जेक्शन टू द नॉमिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द नेटिव स्टेट्स बाय देयर रूलिंग प्रिंसेस। चौथा, द इंडियंस हैड नो शेयर इन द इंटरिम अग्रीमेंट अरेंजमेंट फॉर द रूलिंग सॉरी फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया। इसके बाद जो पॉइंट था दोस्तों, देर वॉज नो प्रपोजल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट, मोर ओवर द ऑफर हेल्ड आउट नो प्रोमिस ऑफ इमीजिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, राइट। गांधी जी ने एक्सप्रेस किया डिससेटिस्फैक्शन एंड डिस्क्राइब द क्रिप्स प्रपोजल एज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। यहाँ दोस्तों, तो ये एक वैसा ही सिचुएशन था, ब्रिटिश ऑलरेडी हार रही थी, गांधी जी भी महसूस कर रहे थे कि नजदीक ही नजदीक ब्रिटिश इंपीरियलिज्म हार जाएगी एग्जिस्ट पावर से, जिस तरीके से एग्जिस्ट पावर लीड कर रही थी। लेकिन टर्न हो जाता है मामला जब यू नो यूएसए पार्टिसिपेट करता है अलाइड पावर के साथ। मुस्लिम लीग रिजेक्ट करती है क्रिप्स ऑफर को बिकॉज देर वॉज नो डेफिनेट प्रोनाउंसमेंट इन फेवर ऑफ पार्टीशन, राइट। हिंदू महासभा सॉ अ पॉसिबिलिटी ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इन द प्रपोजल एंड देयरफॉर रिजेक्टेड इट। तो इस तरीके से ये रिजल्ट्स इसके हुए थे। एम एन रॉय वेलकम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने वेलकम किया और कुछ लोगों ने वेलकम नहीं किया। वेल, द क्रिप्स मिशन फेल्ड। प्रेसिडेंट रोजवेल्ट परहैप्स हैड नो डाउट दैट क्रिप्स मिशन फेल्ड ओविंग टू लैक ऑफ सिंसियरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज